Hi guys, welcome back to my channel TN Blogs Official. So today we are going to make a delicious cauliflower and potato dry curry. So let's get started. तो हमने अभी cauliflower and potato की dry सब्जी बना रहे हैं. उससे पहले आप लोग मुझे फटाफट comment करके बता दीजिए कि आप कहाँ से मेरे videos देख रहे हैं. मैंने कढ़ाई ले ली. कढ़ाई में थोड़ा 1 टेबल स्पून हम मैंने तेल ले लिया. तेल थोड़े गर्म होने के बाद उसमें मैंने मस्टर्ड एंड क्यूमिन सीड डाला. उसके बाद मैंने उसमें 4 मीडियम साइज्ड ऑनियन को मैंने चॉप करके रखा था वो डाल दिया. उसको थोड़ा मैंने भूना ताकि उसके कच्चापन चले जाए. फिर मैंने गार्लिक का इसको श्रेडर करके रखा था. श्रेडर गार्लिक मैंने डाला, उसको भी थोड़ा सा भून लिया. उसके साथ साथ मैंने उसमें टमाटर ऐड कर लिया जो कि मैंने ऑलरेडी काट के रखा था. फिर मैंने जीरा और धनिया का पाउडर एंड हल्दी पाउडर एंड कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर एंड अमचूर पाउडर मैंने इसमें डाला. और साथ ही साथ मैंने उसमें 1 कप पानी डाल दिया और उसको ढक के पकने दिया करीब 10 मिनट ताकि वो मसाला अच्छे से पक जाए. तो मेरा मसाला यहाँ पे पक के अच्छे से रेडी हो गया है. उसमें मैंने 250 ग्राम गोभी एंड 4 मीडियम साइज्ड पोटैटोस को ऑलरेडी चॉप करके धो के रख दिया था अच्छे से. तो मैंने इसको अभी डाल दिया इस मसाला में और मैंने उसके साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा तो फाइनली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मैंने यहाँ पे डाला है और मैंने चॉप करके रखा था थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, उसको भी मैंने डाल दिया. और फाइनली मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और इस सब्जी को मैंने ढक के 2 मिनट पकाने दिया. फिर हो गई मेरी आलू गोभी ड्राई सब्जी रेडी. सो इफ़ यू लाइक द रेसिपी Do share, like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.